तो फाइनली फिर से बजाज कंपनी अपनी डिस्कवर 125 को हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च करने वाली है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को कंप्लीट डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ कि इस बाइक को दोस्तों कब तक हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च कर दिया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा तो इसकी प्राइसिंग क्या कुछ रहने वाली है, साथ ही साथ दोस्तों बाइक में आप लोग को क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर इस बाइक के लुक्स के बारे में बात करी जाए तो लुक्स तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर इस बाइक का देख ही रहे हैं, तो अब आप लोग बताइए कि आप लोग को इस बाइक का जो लुक है ये दोस्तों आप लोग को कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोग को फीचर्स के बारे में बताऊँ तो बाइक पे दोस्तों फीचर्स भी आप लोग को काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आप लोग को लाइट के बारे में बताऊँ तो पहले तो दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे हेलोजन का लाइट दिया जाता था, लेकिन दोस्तों अब आप लोग को इस बाइक पे जो है LED का लाइटिंग सेटअप दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों पहले आप लोग को इस बाइक पे जो है एनालॉग का मीटर कंसोल देखने को मिलता था, लेकिन दोस्तों अब आप लोग को इस बाइक पे जो है एनालॉग के साथ डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे जो है सेम वही मीटर कंसोल देखने को मिलेगा जो कि आप लोग को बजाज कंपनी की N150 और N160 वगैरह पे देखने को मिलता है, आपको वही मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे जो है USB चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि आप लोग को सेफ्टी वाइज आप लोग को इस बाइक पे साइड स्टैंड इंजन का टॉप सेंसर के साथ जो है CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और आप लोग को डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो फीचर्स तो दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिल ही रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोग को इंजन के बारे में बताऊं तो इस बाइक पे दोस्तों सेम आप लोग को बजाज पल्सर 125 वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों 124.4 cc का आप लोग को एयर कूल BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिलेगा, जिसपे दोस्तों आप लोग को OBD2 सेंसर के साथ जो है E20 कैपेबल इंजन देखने को मिलेगा, यानी कि दोस्तों जो 20% एथेनॉल वाला फ्यूल होता है वो आप लोग इस बाइक पे यूज कर पाएंगे। पावर फिगर्स के बारे में बताऊं तो लगभग दोस्तों आप लोग को 11.64 bhp तक की पावर और 10.8 nm तक का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलेगा, जो कि ये जो बाइक है दोस्तों ये 5 स्पीड गियरबॉक्स के सेटअप के साथ आती है, जिससे माइलेज दोस्तों लगभग आप लोग को 50 km के आसपास में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि आप लोग को इस बाइक पे जो है सेल्फ स्टार्ट के साथ किक स्टार्ट भी दी जाएगी, और यहीं पे अगर प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो लगभग दोस्तों 1,10,000 रुपए के अंडर में ही आप लोग को इस बाइक को जो है ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिलेगा। लॉन्च के बारे में बात करी जाए तो इस बाइक को दोस्तों टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, तो मतलब दोस्तों आने वाले कुछ ही महीनों में इस बाइक को हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च किया जा सकता है बजाज कंपनी की ओर से। तो अब आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस बाइक को लेके, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।